अब क्या है हे महाराज, और तरज भी अलग है। तकरीबन सांगिया पे तरज नहीं मिलेंगी जो प्यास की प्योर तरज क्या है, जिसको रागना बोलते हैं। प्यासियों का रागना स्पेशल अलग थे सभी सांगियों से। हाँ बोल हे महाराज, क्या है अब। हे रजावन देवन भोजर मरी मारे सपेलन मरचा जावन दे मना भोज रहे, जावन दे मना भोज रहे, नारी रो रो सपेलन मर जा, सपेलन भी ले रहा है बाबा जी। साच कहूं मैं नहीं रहूं मेरे घरा बहु मुकला ली रजा, सुनिए करके ख्याल हाल वह सात साल में कली रजा, और झगड़ के मेरी सपेलन तड़के जागी कली रजा। तू वीर के मुंह में बढ़ रहा है, शर्मा नहीं रहा हे महाराज। हाँ वीर के मुंह में कौन नहीं है, कौन सबका दिल आप जैसा नहीं हो सकता। कैसे, मैं आपके बारे में जानता हूँ। मेरे बारे में क्या जानता है, कह दूं बोल सुनो। कर आल चंडाल तेरे की डाल नहीं सुनी बाणी राजा, ही थाई तन लुगाई वा कर दी काग उड़ानी रजाए, थी जेठी दुखिया बेटी कर दी तने बेरानी रजा। राम सुमर के मेरे घर का, राम सुमर के मेरे घर का जिक्र चल रहा ठीक नहीं, न्यू करता इनकार नार से प्यार उस दाना ठीक नहीं, बरी होली रजोली बोली कायू मजा से किरिया जल का हो जरे वो डूब मरे को तर जाए। ओली सोली बोली का मजाज खाना ठीक नहीं, उन्हें तेरा बोली मार दी। मैं समझ गया ना थी मिठे खान साहब मेरे भाइयों, उसने बेईमान ने शरण दे का जिक्र छेड़ रहा है, तू मैं समझ गया बात में। उस बेईमान ने ऐसी बोली मारी है आज तक काल से ना धरी है, फिर उन्हें तो बहुत दिनों के काग उड़ान दी, अभी तो उसकी सजा और बहुत है। बहुत है हाँ। एक बात पूछ लू तो उससे क्या क्या प्रेम है महाराज, मैंने तो आपका प्रेम है। बोल सुना दे सारी नारी मारी किसने बोली राजा, वा सयानी तेरी रानी क्यों काग उड़ानी, बोली रजो सुनिए मेरी क्यों गेरी उन्हें बिपत बतेरी डोली राजा। एक दिन का जिक्र है, एक दिन का जिक्र, एक दिन का जिक्र। हाँ मैं और मेरा साथी मनुआ नगरी की सैर करने के लिए निकल पड़े, रात के समय रात्रि के 12 बजे हुए। अच्छा 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 ठीक है। मनुआ थामरी साथ साथ में बात सुनी दुख पागी काया, भोज की सेमरे पांद हुआजू भोज मिठो जनाबी जरा रोने सुमर कर बोलू रे डर के न्यू करके उन्हें क्या कह जाया। फिर बुरी भली का खोज
नाथ जी देखो ऐसा है, सुना कैसा है, वो आपकी पत्नी है, तने के रिश्वत ले रखी है नाथ जी उससे। नहीं महाराज, आप हमारे राजा हैं, हमें आपके कुछ ख्याल है। तेरे को क्या मतलब है उससे? मुझे कोई मतलब नहीं महाराज, मगर औरत के बगैर घर नहीं होता। वो है औरत के बगैर। सुनियो भाई सुनियो मेरे, जय सिंह 15 मिनट दे दे मना बेटी जब असी। औरत के बगैर घर नहीं होता महाराज, आप कभी सोच कर देखना, आदमी दिन भर कितने ही थकावट में हो, कितनी भी टेंशन में हो, कहीं से भी आ रहा हो, खेत से, ऑफिस से, दुकान से, बिजनेस से, या कहीं से भी आ रहा परेशान हो रहा है, आ रहा थका घर आवेगा और आकर के घर आवाज देगा या बेल बजावेगा तो घर होती है लक्ष्मी रूप देवी घर में। अच्छे खानदान की, अच्छी नीयत की, अच्छी सोच की, तो पानी का गिलास लेकर आवेगी और अपने मालिक ने नू कहेगी लियो जी पानी पी लो, आप ठीक सो। आदमी कितना ही दुखी हो, एकदम माइंड फ्रेश हो जाता महाराज। अच्छा फ्रेश हो जाए जी महाराज। पूरे नूर त्रिया से हो कौन दूर बोले लोग, त्रिया से ही जन्म पत्ते खत्ते चत्ते जिससे भोग त्रिया जब तू बने सवती साधु योग की खोद योग। सुनिए मेरे दानी सुनो, मेरे बुजुर्गो, मेरे भाइयों, दोनों निवासियों ब्यास जी आपने देखे हैं, ब्यास जी राम कृष्ण ब्यास जी आपने देखे हैं, उनका तो मेन काम था जी, उनकी अलग आदा थी, अलग पहचान थी, आखिरी 3 लाइन है उनकी गायकी अलग थी। आपने उन 3 लाइन में उनकी एक झलक दे हूं, क्यूकर गाया करते थे इस रागने को, दोबारा शुरू कर के कहना था। पूरे नूरे तिरिया से हो कौन दूर बोले लोग, तिरिया से ही जन्म पत्ते खत्ते चत्ते जिन्हें देखे हैं सुने हैं ध्यान सुनियो, तिरिया जदूगण सवतु साधु योगी खोदे योग। फ्री ब्रह्मती सदवंती नलंगा दमयंती त्यागी बाबा, हाँ जन दुलारी सीता प्यारी, नहीं राम नलंगी बाबा, नरनंद वाले रव्यास चलवा पास की के आगी बाबा। फिर तिरिया के बिना रोज रे क्या प्यास भटकती पर जा, अरे जल गया रे, अरे मर गया रे, चल गया, अरे रे रे, अरे रे रे, मर गया रे, काए मर गया रे। सुरेश कुमार जी सूबेदार साहब कौन से हैं? अच्छा वाजवा सूबेदार साहब सुरेश कुमार जी, धन्यवाद करते हैं सूबेदार साहब का, 200 रुपए बातुर मान सम्मान देते हैं। संदीप डूडी वाले से संदीप जी धन्यवाद मेरे भाई का, 100 रुपए 200 रुपए बातुर मान सम्मान, धन्यवाद। ए नाथ जी, जी महाराज, बड़ी प्यारी बीन बजा रहे थे और बात भी गहरी सुना रहे थे। हाँ जी, अचानक जमीन पर पड़ के जल गया रहे, मर गया रहे, या नहीं समझ में आई बाबा मेरे। हे महाराज, हाँ मेरे को ये बहुत पुरानी बीमारी है। बीमारी है जी महाराज। कौन सी? जब भी मैं किसी बड़ी सभा में बीन बजाता हूँ मेरा सारा शरीर जलने लग जाता है महाराज। आपने इलाज नहीं करवाया बाबा इस बीमारी का? शाने सेवड़े बैद हकीम डॉक्टर सभी से दवाई ली, कोई आराम नहीं आया महाराज। दवाई बहुत ली आराम नहीं आया? नहीं। हे नाथ जी, जी मेरे राज पाठ में वैद हकीम डॉक्टर शाने शेवड़े, हाँ सभी मौका मौजूद हैं जी। आप अपनी बीमारी का इलाज बतलाइए, मैं आपकी बीमारी का इलाज करूंगा। हे महाराज, मैं मेरी बीमारी का इलाज आपको बता तो दूंगा, हाँ मगर आप कर नहीं सकोगे। मैं भरी सभा में जुबान दे रहा हूँ बाबा, मैं तेरी बीन पर मोहित हूँ, बात भी बड़ी गहरी सुना रहा, मैं तेरी बीमारी का इलाज करूंगा, आप अपनी बीमारी का इलाज बतलाओ। ठीक है, ये राजा भोज का दरबार है, आप इतनी जिद करते हैं तो हम मेरी बीमारी का इलाज आपको बता देते हैं। हाँ बोलो बाबा। जिस चीज के ऊपर ताज रखा जाता, सुनियो मेरे बुजुर्गो,
सपेले के भेष में कौन शरण दे खड़ी है राजा भोज के सामने। क्या होता है, क्या कहा बाबा? जिस शीश के ऊपर ताज रखा जाता हो, जिस शीश पर ताज रखा गया हो, उसी शीश के ऊपर कच्चा मटका पानी का भर के आए, कच्चा मटका पानी का भर के लाए, वो मेरे ऊपर डाला जाए, मुझे सुख किया तब ये मेरा दर्द ठीक हो सकता है। अरे अरे अरे, अरे नंबरदार जी महाराज, सुनी सपेले की बात है। क्या बात महाराज? न्यू को कच्चा मटका यू सपेला न्यू कर रहा था। पहली तो बात मैं तना रोक रहा था, इस सपेले का प्रोग्राम रहने दे। अच्छा महाराज, न्यू कर रहा कच्चा मटका पानी का भर के लिया हुआ है। अच्छा, अरे इस बाबा के ऊपर डाल ले। अच्छा, इस बाबा ने उस पानी का सुप किया हुआ है। अच्छा, न्यू को है मेरा दर्द मेरी जलन ठीक हो सके। अच्छा, इस बाबा ने सुप की नहीं दुआ सकता? सुप की महाराज, मैं तो मरा साफ तडरू, आप मने छुट्टी दे, तू सुबह की बात कर, मैं साले की जीभ कटवा दूंगा बापे की। बैठ जा, जीभ कटवा दे। ए नाथ जी। जी महाराज। कच्चे मटके में पानी नहीं आ सकता, क्यों नहीं आ सकता? क्यों नहीं आ सकता? कच्चा मटका तो गड़क के फूट जाएगा बाबा, आवे मैं पके हुए मैं ले दू। अगर पके हुए मटके की बात होती तो मैं किसी की भी कुछ सामंत करके अपने ऊपर 20-30 मटके पानी के गिरवा लेता, ऐसे नहीं तड़पता। कच्चा मटका तो गड़का फूट जाएगा फिर बाबा, कोशिश करो। हैं? कोशिश करो महाराज। ए नाथ जी, जी मैं जुबान दे चुका हूँ तेरे को। हाँ जी, मैं जुबान हारी नहीं हो सकता। फिर आप ले आओ। बाकी कच्चे मटके में पानी नहीं, वो तो मिट्टी है, पानी पी लेगी वो फूट जाएगा। कोशिश तो करो, ले आओ। तो क्या नाम है बाबा आपका? बिच्छूनाथ सपेला। बस ठीक है बाबा, जुबान दे दी, कोशिश करके देखता हूँ, बाकी मुश्किल है। मेरे दानी सजनो, मेरे बुजुर्गो, मेरे भाइयो, राजा भोज पहचान नहीं पाए कि तेरे सामने सपेले के भेष में शरण दे लड़की खड़ी है, तेरी घरवाली खड़ी है, जिसको दोहाग दे दिया। न्यू कया करे हैं समझदारियां मेरे पिता की आयु के बैठे हैं सभा के बीच में, कि कभी कभी समझदार बुद्धिजीवी इंसान भी धोखा खा जे है। 14 विद्या निदान होते हुए राजा भोज पहचान नहीं पाया शरण दे को, धोखा खा गया। कच्चा मटका पानी का भर लिया दरिया में से, भर के कच्चा मटका पानी का दरिया से और लेके चल दिया। वो तो मिट्टी थी, कच्चा था वो तो, वो मिट्टी पानी पीती चली गई। और जैसे ही शरण दे के नजदीक आया, क्या हुआ भाई? रजी सुना सब पहले चल भोज मेरा राम रूप क्या, राम रूप क्या। ए बाबा जी, ए नाथ जी, जी सुनो भाई सोरनी, मैं पहले ही कह रहा था कच्चे मटके में पानी नहीं आ सकता, यो मटका गड़क के फूट लिया बाबा, इस ठीकरे में थोड़ा सा जल रह गया बाबा, दूसरा भर लियाओ, वो भी गड़क के फूट जाएगा, तीसरा भर ले यो, वो भी गड़क के फूट जाएगा, लागे रहो एक आध, लागे रहो, लागे रहो, इसे काम पर लागे रहो, मेरी जान बच जाएगी। फिर जल का भरिया ठीक रहा हो, और का
ललका भया यू ठीक रा नहाले कह रहा तने भलाई की। सुनिए राजा भोज तने ना मालूम पीड़ पराई की। बाबा जी ओए बाबा जी मने पानी गहला कच्चा गढ़ुआ यू करी जा। और तेरा कुछ ना दोष भोज मेरे कर्मा का पसा ढल गया। ओ ये तेरी बीन का लहरा बाबा भोज के दिल में छल गया। तू पछ जी करे बीन का करिए की जोड़ी मोनू वाले कस करिया। ये बजाई की मेरी लिखड़ी जासे जान मने नचा नई सी कमाई की। ओ ये बाबा जी ओ हाँ मने बता दे इव के जतन बनाऊ पावड़ कर के पानी लिए बेटे नवा नहीं मरी जाऊ मैं। और मटका तू मंगा पास में तन अटके जतन सही सहना चल पे सवा।
बाबा महाराज वैद बुलाए तेरा दर्द मिटा दियो फीस नहीं एक पाई की मेरा मर्ज दूसरी से ना चलना पेश दवाई की हे महाराज बाबा ये दवाई का रोग नहीं है मेरी दवाई आप कर सकते हो मैं मिठे मैं और मटका नहीं फरक ले आ सकता क्यों वो गड़का फूट जाएगा ठीक है महाराज ठीक रे मैं थोड़ा सा चला काम चलता हो चला ले हमने सोच लिया क्या जो काम हम सदियों से करते आ रहे हैं कौन सा काम आज भी मन्ना हो ये करना पड़ेगा कौन सा मगर मैं खुद नहीं कर सकता कौन सा जो आप ये ठीकरे में थोड़ा सा पानी ले रहे हो थोड़ा सा पानी है ठीकरे में इस पानी से मड़े से मेरे पैर धो दो मड़े से मेरे को आराम आ जाएगा और आपका वचन रह जाएगा आराम आ जाएगा आज हमारा बाबा यदि तेरे को इस ठीकरे में पानी है इससे पैर धो दूं तेरे हाँ महाराज आराम आ जाते अच्छी बात है बाबा जी आपका कुछ नहीं जाऊंगा आराम आ जाएगा पहले भी ऐसे करते थे कुछ टाइम लगे जी जो सुबह किया जाए तो एकदम आराम हो जाए हाँ और जो है ना पैर दो तो थोड़ी देर में आराम आ जाए कर दो काम ओ बेईमान न्यू बन काएगी कट्टर रोग मेरे दाने सर